बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5, आज हमने एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है, जो कि कल जैसे क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चंस की तरह है। स्टेटमेंट को पढ़ें पहले। अनवर परचेज्ड आ टेबल फॉर ₹4,000। अनवर ने एक टेबल ख़रीदा जो कि ₹4,000 का था। ही पेड 40% ऑफ द प्राइस इन कैश, उसने 40% जो है वो प्राइस कैश में पे कर दी। एंड प्रॉमिस टू पे द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर अ मंथ, और फिर उसके बाद आगे उसने टाइम ले लिया, उसने प्रॉमिस किया कि वो एक मंथ बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे कर देगा। व्हाट अमाउंट शैल ही पे आफ्टर अ मंथ, मतलब वो कितनी अमाउंट है जो कि वो एक महीने बाद पे करेगा। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट बनानी है। टेबल purchased in ₹4,000। ठीक है, 4,000 में उसने टेबल परचेज किया। ही पेड 40% ऑफ द प्राइस इन कैश, प्राइस पेड इन कैश। कैश में कितनी प्राइस पेड हुई, 40%। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करनी है कि डिस्काउंट उसको, मतलब जो उसने पे किए है वो कितनी अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, 40% मल्टीप्लाई बाय 4,000। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 4,000। कटिंग कर देंगे यहाँ पे, जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास जो रह जाएगा आंसर वो उसने क्या किया है, कैश में पे किया है, और जो रिमेनिंग होगा हम उसमें से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये 100 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, चलो यही कर लेते हैं, 100 में से ये 2 ज़ीरोज़ कम हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, 40 को हमने 40 से मल्टीप्लाई करना है, 40 मल्टीप्लाई बाय 40 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 16, मतलब उसने 1600 जो है वो पे कर दिया था। ठीक है, प्राइस पेड इन कैश कितनी हो गई, 1600 रुपीज़ उसने पे कर दी। अब वो प्राइस जो वो रह गई है, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर अ मंथ, व्हाट अमाउंट शैल ही पे आफ्टर अ मंथ। ठीक है, अमाउंट पेड आफ्टर अ मंथ, एक मंथ बाद जो वो है वो कितनी पे करेगा। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी 4,000 में से जो हमने उसने पे कर दिया उसको माइनस कर देंगे, 1600 को हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितनी अमाउंट उसके पास रह गई है जो उसने पे करनी है। 4000 में से 1600 को माइनस करें, 0 0, यहाँ से 1 कैरी इधर चला गया, 3 में 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 3 में से 1 गया 24, यानी कि 2400 रुपीज़ उसने और पे करने हैं, और वो कब पे करने हैं, उसने एक मंथ बाद पे करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट रीड 70% पेजेस ऑफ अ बुक। ठीक है, एक स्टूडेंट ने 70% पेजेस जो है वो बुक के रीड कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 300, अगर टोटल जो है पेजेस हैं वो 300 है, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड, कितने पेजेस के पास रहते हैं। ठीक है, पेजेस रीड बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट ने कितने पेजेस पढ़े हैं, 70% टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 300। ठीक है, तो हमने अब बुक इतना टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 300, तो हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज पहले फाइंड करेंगे, यानी कि परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कितने हमारे पास रहते हैं, 70/100 मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है, 300 कैसे आया ये, हम मतलब कटिंग कैसे करेंगे, 100 के टेबल में 100 ones are 100 and 100 threes are 300। ठीक है, ये हो गया, तो हमारे पास जो उसने टोटल पढ़ लिए होंगे ना पेजेस, जो उसने पढ़ लिए हैं वो हमने निकालने के, कितने उसने पढ़े हैं, 3 0s are 0, 3 7s are 21, यानी कि 210 जो पेजेस हैं रीड बाय स्टूडेंट, पेजेस रीड बाय
स्टूडेंट, ठीक है, 210 पेजेस उसने पढ़ लिए हैं, तो हमने कितने, उसने कहा हाँ मैंने पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड, कितने हमने देर ढूंढने हैं कि कितने पेजेस इसमें से रहते हैं, पेजेस लेफ्ट टू रीड कितने रह गए, टोटल हमारे पास 300 है, उसमें से हमने 210 माइनस कर देने हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 90 पेजेस, ठीक है, टोटल हमारे उसके कितने पेजेस रहते हैं, 90 पेजेस और रहते हैं जो उसने पढ़ने हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस बहुत आसान है, करने की कोशिश करें, और मैं कल आप लोगों का 4.8 और 4.7 का टेस्ट लूँगी, 4.7 और 4.8 दोनों का टेस्ट लूँगी जो कि सिमिलर होंगे, ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।